Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great and amazing. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another amazing video. Okay, so this video is all about pedicure at home. Like आप घर की चीज़ों से बहुत अच्छे से pedicure कर सकते हैं, अपने पैरों का ख्याल रख सकते हैं. तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखें और ये वीडियो literally आपके बहुत काम आने वाली है. So बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चलिए जी पेडिक्योर करना स्टार्ट करते हैं. हमें लेना है पहले बेकिंग सोडा और उसके अंदर हमें लेमन को स्क्वीज़ करना है, उसका जूस ले लेना है. उसको मिक्स करके हमें जो बनाना है ये है हमारा D10 पैक. इससे क्या होगा, आपका टैन वगैरह जो आपके पैरों पर हो रखा है वो ठीक होगा. आप इसकी जगह ब्लीच भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज ब्लीच नहीं करनी थी. आज मुझे आप लोगों को ये वाला पैक बताना था, क्योंकि ब्लीच तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ब्लीच करना प्रेफर नहीं करते. कुछ लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं है ब्लीच वगैरह से, वो लोग क्या करें वही वाला पैक जो है इसको बनाकर इसको अपने पैरों पर लगाएं. लाइक आपको एक कोट करनी है और फिर आप लोगों ने अपने जो पाँव हैं वो पानी के अंदर डिप कर लेने. लेकिन अगर आपके पैरों के ऊपर कहीं कहीं जगह डार्क एरियाज हैं तो वहाँ पर आप लाइक सेकंड कोट भी कर सकते हैं. लेकिन मैं एक ही कोट करूँगी और उसके बाद मैं अपने पाँवों को पानी के अंदर डिप कर लूँगी. लेकिन पानी के अंदर हमें क्या क्या डालना है, पानी के अंदर हम डालेंगे एक पैकेट ब्लीच पाउडर का. लाइक जब ब्लीच हम करते हैं तो जाहिर है पूरा पाउडर तो यूज़ होता नहीं है, तो जो पाउडर बच जाया करो उसको उसके ऊपर रबर बैंड लगाकर उसको रख दिया करें, ताकि जब भी आप पेडिक्योर करें आप इस पाउडर को यहाँ पर यूज़ कर लें. उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बॉडी वॉश. अगर आपके घर में बॉडी वॉश नहीं है आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं. शैम्पू के बाद मैं यहाँ पर डालूंगी कंडीशनर. कंडीशनर भी मैं यूज़ करूंगी, नहीं है तो आप रहने दें ऐसे ही, आप सिर्फ शैम्पू से भी काम चला सकते हैं. उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी. अच्छा, गर्म पानी से मुराद क्या, हमें थोड़ा आधा ठंडा लेना है और थोड़ा सा पानी उसमें गर्म ऐड करना है. ज़्यादा गर्म हो गया तो हो सकता है आपका जो टैन है वो और स्टबन हो जाए, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत गर्म नहीं लेना, बहुत गुनगुना सा पानी जो होता है वो लेना है और उसके अंदर अपने पाँवों को डिप करना है फॉर 15 मिनट्स. इस पानी के अंदर हम थोड़ा सा रोज़ ऑयल भी ऐड करेंगे. अगर आपके पास रोज़ ऑयल नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट फॉर द गुड रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस. खैर, आप लोगों ने 15 मिनट्स तक अपने पैरों को डिप करके रखना है. उसके बाद क्या होगा, आपके जो पैरों की एक जो बहुत हार्ड हो जाती है स्किन वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप लोगों ने स्क्रब कर लेना है. लोफा यूज़ कर सकते हैं आप लोग, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पेडिक्योर मैनिक्योर एक ब्रश आता है वो, और उससे मैं अपने पैरों को अच्छे तरीके से स्क्रब कर रही हूँ ताकि मेरी जितनी भी डेड स्किन है वो सब कुछ उतर जाए. पैरों को अच्छे से स्क्रब करने के बाद अब हम एक स्क्रब भी करेंगे. लाइक अगर आपके पास स्क्रब है घर के अंदर अपने फेस के ऊपर जो करते हैं वो भी कर सकते हैं अपने पैरों पे. लेकिन अगर नहीं है स्क्रब, मुझे अपना स्क्रब आज नहीं मिल रहा था तो मैंने ये होममेड बना लिया. इसके अंदर है शुगर, कोकोनट ऑयल और है इसके अंदर टोमेटो जूस. इसको मैंने मिक्स करा और अपने पैरों पे अच्छे से मैं लाइक इसके साथ स्क्रब कर रही हूँ. थोड़ा इतना ज़्यादा आप लोगों ने बहुत रगड़ रगड़ के नहीं करना कि आप लोग अपने पैरों की हालत बुरी कर दें. नॉर्मल तरीके से करना है, क्योंकि हम पहले भी जो ब्रश हमने करा उससे हमने आधे से ज़्यादा अपनी डेड स्किन जो थी वो उतार ली. ये जस्ट हम फॉर द फॉर्मेलिटी आप कह लें, या फिर उन लोगों के लिए जो जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुई हुई है, तो ये होगा दो दो दफ़ा जब उनका पैर स्क्रब होंगे तो हो सकता है उनकी जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न डेड स्किन है वो भी उतर जाए. और यहाँ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि पेडिक्योर का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने एक दफ़ा कर लिया अब 2-3-4-5 महीने की गाड़ी गई तो इस तरीके से नहीं. आप लोगों को एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा तो करना ही है अपना पेडिक्योर, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पैर भी अच्छे लगें. क्योंकि जो पैर हैं वो भी आपकी बॉडी का ही हिस्सा है, आपको उसको भी अच्छा रखना है. जितनी ज़्यादा मेहनत हम अपने फेस के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर कर रहे होते हैं उतना ही हमें ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर अपने पैरों के ऊपर भी देना चाहिए. क्योंकि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसके अंदर सिर्फ आपका मुंह और आपके हाथ नहीं आते, उसके अंदर आपकी ओवरऑल बॉडी आती है. आगे जाके हमारे पास विंटर्स आ रहा है, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पैर इतने ज़्यादा लाइक फटेंगे, रिंकल्स आएंगे उसके ऊपर, और पैरों की जो हालत है वो बुरी हो जाएगी. लाइक हम समटाइम्स सॉक्स पहनते हैं, समटाइम्स नहीं पहनते, लेकिन विंटर्स जो है वो एक बेस्ट लाइक सीज़न होता है, जिसमें आप अपने पैरों की जितनी ज़्यादा केयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उनको प्यारा कर सकते हैं कर लें. क्योंकि गर्मी के अंदर आप वैसलीन अपने पैरों पे लगा के सॉक्स नहीं पहन सकते, विंटर्स के अंदर आप ये काम कर सकते हैं. जो विंटर्स आ रही हैं उसके अंदर इस दफ़ा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी आप रात को सोएं आप लोगों ने वैसलीन लेनी है,
और उसको अपने पैरों पर अपनी हील्स पर लगाना है और सॉक्स पहनना है और छोड़ देना है. आप जब सुबह उठेंगे आप अपने पाँव खुद देखेंगे वो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मास्क. ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है. उसके बाद हम जाएंगे अपनी क्रीम की तरफ. अब क्रीम का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी क्रीम, बस दो इंग्रेडिएंट वाली क्रीम है. हाँ हम अपने अब इस पैक की तरफ चलते हैं. इसके अंदर है हमारे पास बेसन, हल्दी, इसको हम टर्मरिक भी कहते हैं. इसके अंदर हम डालेंगे एलोवेरा जेल और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन. इसको मिक्स करेंगे और इसको अपने पैरों के ऊपर लगाएंगे. जिस तरीके से हम अपने फेस का लाइक फेशियल करते हैं, इसी तरीके से समझ लें आपके पैरों का फेशियल हो रहा है. हमने सबसे पहले अपना वो डी टेन पैक था बनाया. उसके बाद हमने अपने पैरों की स्क्रबिंग करी. स्क्रबिंग हमने बहुत अच्छे से की है. अब हमें एक मास्क बनाना है अपने पैरों के लिए, ताकि हम उसके ऊपर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि जितने भी आपके अभी लाइक डेड स्किन वगैरह उतरी है उसके ऊपर अब कुछ हम अच्छी चीज़ें लगाएं, ताकि आपके पैर जो हैं वो और ज़्यादा प्यारे रहें और लाइक वो साफ़ सुथरे हों और उसके ऊपर से जो लाइक टैन वगैरह है वो और ज़्यादा साफ़ हो. तो हम अब अच्छे से अपने पैरों पर ये लगाएंगे और लगाने के बाद आप लोगों ने 15 मिनट तक इसको छोड़ देना है. आपका वो चिलिंग टाइम है, आप उसके अंदर बुक वगैरह पढ़ें, आराम से चिल करें, कॉफ़ी पिएं और इसको 15 मिनट्स तक लगा के छोड़ दें. 15 मिनट्स के बाद जब ये सूख जाए, लाइक प्रॉपर नहीं लेकिन 50% सूख जाए आपका जब ये पैक, तो फिर आप लोगों ने इसको धो लेना है. अच्छा, धोने के टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर थोड़े से येलो येलो हो गए. उसका रीज़न ये है कि हमने इसके अंदर टर्मरिक ऐड की हुई है, तो उससे डरिएगा नहीं, वो थोड़ी देर के बाद ही आपके ठीक हो जाएंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई बिल्कुल भी येलोइश टाइप लुक ना आए, तो फिर आप जो टर्मरिक है वो बहुत थोड़ी ऐड करिएगा. मुझे टर्मरिक ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ. और जब ये 50% ड्राई हो जाए उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से और आप लोगों का समझ लें कि पेडिक्योर हो गया. लेकिन आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने पैरों को मॉइस्चराइज कैसे रखना है. तो हमें उसके लिए चाहिए एलोवेरा जेल और एलोवेरा जेल के साथ चाहिए हमें एक विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक्स की शॉप से बआसानी मिल जाएगा. अगर तो आप लोगों ने वाइटनिंग कैप्सूल्स भी ऐड करने हैं, आप लोग वो भी कर सकते हैं. आप लोग एक वाइटनिंग कैप्सूल ले लें, एक विटामिन ई कैप्सूल ले लें और थोड़ी सी एलोवेरा जेल लें. उसको मिक्स करें अपने हाथ पर ही और अपने पैरों पे अच्छे तरीके से मसाज करें. उसके बाद आपके जो पैर होंगे वो इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको बहुत बेहतर लगेंगे. अभी आप लोग देखें मेरे जो पैर जो मैंने स्टार्ट किया था तब और अब में कितना ज्यादा फर्क आ गया. एकदम से ब्राइट हो गए और लाइक बहुत अच्छे लगने लग गए. तो अगर आप ये पेडिक्योर महीने में एक दफा भी कर लेंगे तो आपके पैर जो है वो पूरा महीना साफ सुथरे रहेंगे. और आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी केयर भी करनी है. जो क्रीम मैंने लास्ट में बनाई वो आप रोज रात को लाइक कोई भी ऑयल ले लें, उसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करें और अपने पैरों पे मिक्स करके लगा लें. आपके पैर अच्छे ही रहेंगे. जिस तरीके से आप रोज अपने स्किन केयर करते हैं, आप लोग अगर रोज अपने पैरों और हाथों का भी ख्याल रख लें तो फिर हमें इतनी ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी. आगे विंटर्स आ रहा है, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक विंटर क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी, जो अपने हाथ और पैरों पे यूज करके आप अपने हाथ और पैरों को लाइक थ्रू आउट द सीजन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट और ब्राइट रख सकते हैं. तो जी ये थी आज की वीडियो. इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.